हरियाणा रोडवेज की बसें लगातार घाटे में चल रही हैं। बावजूद इसके रोडवेज के कर्मचारी अपनी लेट लतीफी और लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सोमवार को पानीपत डिपो के 5 ड्राइवरों की वजह से सुबह सुबह डिपो को लाखों रुपए की चपत लग गई। दरअसल सोमवार सुबह पानीपत से हरिद्वार, अलवर, देहरादून, सिरसा, लुधियाना और दिल्ली के लिए सुबह बसें निकलती हैं, लेकिन आदत से मजबूर रोडवेज के ये ड्राइवर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इन तमाम रूट पर बसें नहीं जा पाई और डिपो को हजारों रुपए की चपत लग गई। डिपो महाप्रबंधक रामकुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों में बस भेजने से पहले विभाग को टैक्स एडवांस जमा करवाना पड़ता है। बस समय पर ना निकलने से सिस्टम पर यात्रियों का भरोसा टूटता है। दूसरे राज्यों में हरियाणा राज्य की छवि खराब होती है और इसके अतिरिक्त पानीपत डिपो की छवि खराब होती है। लिहाजा चालकों की लापरवाही को देखते हुए इन 5 ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया। डिपो के महाप्रबंधक रामकुमार का कहना है, जो भी कर्मचारी लापरवाही करेगा उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। आज रमेश डी नंबर 73 ने पानीपत से हरिद्वार जाना था, उसने वहां का समय मिस कर दिया। और श्री सुंदर सिंह डी 102 ने पानीपत से अलवर का कर दिया। और सरवजीत डी 113 पानीपत से देहरादून का मिस कर दिया। और बलवान डी 199 पानीपत से सिरसा और जगमाल डी 240, इन 5 चालकों ने इसने पानीपत से लुधियाना, दिल्ली पानीपत का मिस किया। ये सारे इंटरस्टेट के लंबे रूट हैं, जिनका टैक्स हम एडवांस में दूसरे स्टेट को पे करते हैं इसलिए। और पानीपत डिपो के लंबे रूट, इंटरस्टेट रूट मिस करने से यात्रियों का भी भरोसा कम होता है, इसलिए इन 5 चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्या इस तरह से ये चालक अपनी मनमानी करते हैं भी, जब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती होगी? ये चालक तकरीबन यूनियनों का सहारा लेते हैं या राजनीतिक दबाव का, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं होता कि दूसरे इंटरस्टेट में हमारे हरियाणा राज्य की छवि खराब होती है और हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पानीपत डिपो की भी छवि खराब होती है। ये ऐसे चालक भविष्य में भी जो पानीपत आगार का नाम धूमिल करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इनमें से एक चालक ऐसा था जो मतलब कंटेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो DI ने पेश कर दिया और कहने से मार्ग पर चला गया, इसलिए उसको आगे भविष्य में सुधरने का मौका दे दिया गया।